गणपति बप्पा मौर्य, हाँ बस 5 दिन के एक उत्सव बा जो हमेशा हर साल हमरा जीवन में आवेले, हमरा घर में परिवार में आवेले, और ये गणेश पर्व के बड़ा उत्सव के रूप में मनावेले, बड़ा आनंद आवेले 5 दिन जीवन के कंप्लीट अपने घर परिवार अपने गणपति बप्पा के समर्पित, अच्छा लागेला। कितना साल से ये 15 साल से हो गई, 16 साल बाद शायद। बड़ा पहले से तैयारी हो गई पड़ेला, मतलब घर के सजावट से लेकर के सामान के शिफ्टिंग से लेकर के, तो गणपति बप्पा आवेले तो बहुत घर के इधर उधर करवा देवेले। अब उनका गेला के 3-4 दिन बाद तक उनकर ऐसा कब याद रहेला, गम रहेला कि नॉर्मल भी ना हो पावेले इंसान, बड़ा लगाव हो जाला 5 दिन में गणपति बप्पा से। एक है एक मानवीय भावना है, उन भावना से हमने सब भी बंधल बानी, तो बस ये बात बप्पा से जो है कोनो ऐसा मुराद बाकी बाटे जो बाप मांगे से बप्पा तो मंगले से पहले सब कुछ दे देले। मुराद तो हर पल उपजेला इंसान के अंदर, मानव शरीर में, मानव दिमाग में, मानव दिल में हमेशा मुराद उपजबे करे ले, तो मुराद की कमी नहीं किया। अभी फिलहाल हम कहा मांगे गणपति बप्पा से, बस ये कि हम गणपति बप्पा कि हम जोन इंडस्ट्री से बिलोंग करा था, यानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री के इस ई लेवल पे ले आए, ई लायक बना दी, जोन तमाम दूसर इंडस्ट्री जैसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सामने सल्यूट करे ले, वैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने सल्यूट करें, इतना परिपक्व बना दी, इतना गुणी लोग के इंडस्ट्री में ले आई कि हमारी इंडस्ट्री भी इस लेवल पे चल जाए, कि इंडस्ट्री से जुड़ल तमाम लोग के ई फील ना हो के कि हम हिंदी में जाए चाहे साउथ में जाए चाहे यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, और बाकी हम जौन लायक बानी वो लायक हमारा बना दी, वो लायक हमारा सब चीज़ दे दी, हम ये तो नहीं के जानत कि कौन लायक बानी, सब आप ही जानब, बस गणपति बप्पा जनी है जे दे दिए। अंत में ये करे कि आपकी संघर्ष फिल्म रिलीज भेल बा, जमुना फिल्म से भोजपुरी सिनेमा के छवि बदलल बा, और कि आपके भी एक अलग रूप नजर आएल और काफ़ी कुछ दर्शक एक संदेश भी मिलल आपके किरदार से। हाँ मतलब संघर्ष फिल्म भोजपुरी में वो वक्त आएल बा जौन वक्त इंडस्ट्री बड़ा मतलब डाउन में जात रहे, थिएटर से पब्लिक भागे लागल रहे, वो घड़ी संघर्ष रत्नाकर कुमार जी वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर हुए उस सिनेमा के, उस आदमी के इतना मतलब हम ये कहें कि पूरा श्रेय उनका के जा सकेला, क्या है कि वैसे प्रोड्यूसर होके तो इन सिनेमा भी बढ़िया बनी और सिनेमा के रिजल्ट भी बढ़िया हुए। अगर रत्नाकर जी की जगह कोई और शायद प्रोड्यूसर होते हैं तो इतना मेहनत उस सिनेमा के रिलीज पर ना कर ले होते हैं, तो रत्नाकर जी के ही पूरा श्रेय जाले कि संघर्ष जैसा फिल्म बनौला जौन में कोनो अश्लीलता नहीं के, कोनो आइटम सॉन्ग नहीं के, और बाद उस सिनेमा के पूरा मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज कर, मतलब 40 मल्टीप्लेक्सेस एक साथ, और बाद उस सिनेमा के हर कदम दर कदम उस सिनेमा के चले में, पब्लिसिटी में, प्रमोशन में हर कदम बढ़ोतरी उनका दिमाग से उपजल, तो बस यह काम कि संघर्ष जैसा फिल्म बने की चाहिए इंडस्ट्री में, जो भोजपुरी पे लागल जो दाग भाव दाग के धो सके गणपति बप्पा मौर्य।